आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसे इतने सालों के बाद हम सफ़र की याद आ गई हालांकि इसकी स्टोरी लाइन पर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उसने भी थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन फवाद के रिसेंट इंटरव्यू ने मुझे कम्पेयर किया कि मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊँ तो फवाद ने अपनी रिसेंट पॉडकास्ट में कहा कि वो उनको हम सफ़र इतने ज़्यादा पसंद नहीं जितना ऑडियंस ने उसको पसंद किया और उन्होंने इसमें काम सिर्फ पैसों के लिए किया था उनको स्टोरी इतनी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं की थी जिसकी वजह से उन्होंने इससे मना कर दिया था लेकिन फिर प्रोड्यूसर के स्टार पर आखिरकार उन्होंने ये ड्रामा किया मैं भी उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया था मुझे भी हम सफर की स्टोरी से सब सारा प्रॉब्लम थी लोगों ने इतना ज्यादा इसको आखिर क्यों पसंद किया मुझे आश्र का करेक्टर स्टार्ट से टॉक्सिक लगा था हाँ ठीक है कि उसने अपने फादर की बात मानकर अरेंज मैरिज की है लेकिन वो बिल्कुल एक हिपोक्रेट और एक टॉक्सिक पर्सन था जिसको खरीद के क्लासमेट से तो प्रॉब्लम हुई और लोगों को लगा वाओ क्यूट कितना पोजेसिव है कितना प्रोटेक्टिव है लेकिन वो असल में वो एक हिपोक्रेट था जिसकी खुद एक चाइल्ड फ्रेंड थी जो हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी और वो उसको हेंट भी देती रहती थी कि वो उसको पसंद करती है लेकिन आशर बहुत ज्यादा मासूम था और उसको कभी भी ये बात पता नहीं चल बस एलिगेशन एक नहीं सुनी तो फिर कहा गई उसकी सारी मोहब्बत और प्रेगनेंसी का बताया तो उसको उस पर यकीन नहीं आया और उसने कहा कि भाई ये बच्चा भी मेरा नहीं है हालांकि अगर आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हो तो आप ये बात उसको ऐसे ही नहीं कह सकते इस बात को कहने के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी से नफरत होना जरूरी है और उसके बाद जब खरीद ने डी एन की पेशकश कर तो फिर अशर ने कहा तो चलो ठीक है कि हाँ मैंने मान लिया कि ये बच्चा मेरा ही है ज़ाहिर सी बात है कि एंड में खिरत अपनी बेटी के लिए अशर के साथ हो जाती है लेकिन एंडिंग ये सजेस्ट करती है कि वो दोनों अपने रिश्ते को दोबारा एक मौका देखना चाहते हैं लेकिन इस तरह से हम बिल्कुल भी इसको एक परफेक्ट कपल नहीं कह सकते कहीं फवाद की बात बिल्कुल ठीक है कि एक अनदर फैमिली ड्रामा था जिसमें सास बहू साजिश के अलावा कुछ भी नहीं था लेकिन ठीक है हर किसी की अपनी चॉइस होती है लोगों को ये ड्रामा खरीद और अश, अशर के दरमियान जो कुछ रोमांटिक सीन्स थे उनकी वजह से अच्छा लगा लेकिन लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि किस तरह अशर के एक दफ़ा भी उसकी बात ना सुनने की वजह से खरीद की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपने हम सफर देखा था और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं आज के लिए बस इतना ही मैं आपसे मिलूंगी हुई नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हाफिज